भाई आज जुम्मा है, कुछ ना कुछ तो बनता है कि आपके लिए बनाऊं, तो मेरे साथ रहिए, चलते हैं। तो भाई क्या आप जान सकते हैं कि मैं आपको कहाँ पे लेके आया? ऊंचे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज शादाब वादी और ट्राउट मछली और दरियाई स्वात। तो ये कौन सी जगह हो सकती है? ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर दिमाग काम नहीं करा तो चलो शाही मेवा का ही है, क्योंकि शाही मेवा से दिमाग तेज़ हो जाता है। तो क्या हुआ, नहीं पहचान सकते? तो मैं बताता हूँ, मदियन स्वात। तो हम पहुंच गए शाहग्राम, यह मदियन का इलाका है शाहग्राम। बात कुछ ऐसी है कि हमारा रिश्तेदार है सवाबी में, तो आप जानते हैं ये मई का महीना है, वहाँ पर सख्त गर्मी है, तो इसलिए वो आ रहे हैं यहाँ पर किराए का मकान देखने। तो हम उसके हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए मकान ढूंढते हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी है जो कि मेरा बहनोई है, यहाँ के मजाज से भी आशना है, यहाँ के दर दीवार से आशना है, इसलिए वो हमारी हेल्प कर रहा है। तो हम ढूंढते हैं, यहाँ पर हमारी बात हुई कुछ बंदों से, देखते हैं क्या बनता है। ये है मदियन का खूबसूरत नज़ारा, आप देख सकते हैं। ये बात नहीं बनी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। असलम मोहम्मद असलम, मदियन शाहग्राम, ओवैस खान। हमारी डील मुश्किल है भाई, क्यों? अगर आपने भी आना है तो पहले स्टे में ऐसा डीलर ढूंढो। तो हमारी बात बिल्कुल नहीं बनी, इंशाल्लाह किसी और पे ट्राई करते हैं। ये हमारे साथ है एक्सपर्ट है, वैसा तो हम आपके साथ गपशप भी लगाएंगे और साथ साथ आपको सीनरी भी दिखाएंगे। अब जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इस जगह को कहते हैं क्या कहते हैं इसे? द्रबो, द्रबो। द्रबो। तो सारा दिन घूमने के बाद हमने आखिरकार मकान ढूंढ ही लिया, हमारा मेहमान भी खुश हुआ, हम भी खुश हुए। तो चलो ना, इसके बदले हम आपको मदियन की सैर करा दें। पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं और हर तरफ सरसब्ज शादाब पहाड़ है, चीड़ के दरख्त है, ये गंदम की फसल है। के किनारे पे मौजूद है, दूर से इसका नज़ारा करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करता है। जब बात स्वाद की हो और फिर मदियन की हो और उसमें पानी ना हो, उसमें ठंड ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। बहुत ही ठंड है यहाँ पे, मई का महीना है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आप आते हैं तो अपने साथ कोई जैकेट वगैरह लेके आए,
ये देखो चारों तरफ सब्ज़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, क्लाउडी मौसम है। अब यहाँ पे बारिश होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड है यहाँ पे, आप आसमान में देख सकते हैं तकरीबन बरसने वाली है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सैयद रोमान शाह है। कहाँ से आए? मैं तो यहाँ मुकामी हूँ। जी हाँ, तो माहौल कैसा है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह तो माहौल बहुत अच्छा है। ये कैसे मिलते हैं? वो तो हम उससे कि नहीं? हाँ, हम भी उनसे खुश हैं और वो भी हमसे काफ़ी खुश है। अच्छा, ज़्यादा पड़ा हुआ है, किसकी वजह से? मेहमानों की वजह से? ये तो मेहमानों की वजह से नहीं, ये तो हमारी टीम है जो है ना, उसकी निचली कारकर्दगी की वजह से है। हम उनको ये पैगाम देते हैं कि सवात बहुत एक खूबसूरत इलाका है, जिस तरह आप देख रहे हैं दरिया जो है ना, इस तरह नदी भी है काफ़ी बहुत, और ये सर सब शादाब मौसम है यहाँ, तो सवात के लिए हम उनको बुलाते हैं। बस हम तो यह मुकामी। तो कैसा है यहाँ का माहौल, मेहमानों के लिए साजगार है कि नहीं? अच्छा है माहौल तो, बहुत अच्छा है। गन से ज़्यादा पड़ा हुआ है, किसकी वजह से? ये तो टीएमए वालों की वजह से। उसकी वजह से? हाँ। अच्छा, मैं तो समझा कि मेहमानों की वजह से। नहीं, वो तो यहाँ पर सही जगह गन डालती है, लेकिन ये टीएमए वालों की वजह से, वो अपने काम से ही ढंग से नहीं। तो मगरिब की नमाज़ का वक्त था और हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सारा दिन घूम फिर के बहुत थक गए थे, लिहाजा हमने रिलैक्स होटल की तरफ गाड़ी मोड़ ली। उफरान भाई ने आर्डर दिया खाने का और हमने नमाज़ पढ़ी, उसने भी नमाज़ पढ़ी। तो उसके बाद हमने क्या करना था आप पता है? क्या करना था? अरे भाई, खाने पे टूट पड़े। भाई इसके बाद खेल ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।